दिल्ली में आज भाजपा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आप वर्कर्स का प्रदर्शन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है, तो यही भाजपा कार्यकर्ताओं की मांग है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कर दें। आप आज प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी, इसके चलते पीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था, वे 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में है। इधर केजरीवाल ने आज ईडी कस्टडी से दूसरा सरकारी आदेश जारी किया है। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों के लिए दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए, लोगों को मुफ्त जांच और दवाई मुहैया कराई जाए। केजरीवाल ने 24 मार्च को जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया था। उन्होंने जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया था कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है वहां टैंकरों का इंतजाम करा जाए। उन्होंने कोर्ट में पेशी के समय कहा था कि वे इस्तीफा नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में है तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सभी दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका मुख्यमंत्री चाहे जेल में है मगर सोच वो सिर्फ आपके लिए रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए मुख्यमंत्री सोच रहे हैं। और उनकी चिंता यही है कि उनके जाने के बाद पीछे कोई व्यवस्था खराब ना हो। और हम सब लोग जो उनके सिपाही हैं, हम सब लोग 24 घंटे काम करेंगे मगर कोई दिक्कत जो है दिल्ली वालों को नहीं होने देंगे, ऐसी मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और हमारे लिए ये भगवान की आज्ञा जैसा है।